हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बैठा हूँ अभी दोस्त की शॉप में, ठीक है। दोस्त का शॉप ही है, ठीक है। उसका गैराज है, उसका गैराज है ये, ठीक है। और देखो मेरे सामने क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो ये कुछ अलग तरीका का कंटेंट है, मतलब जो अभी तक के अपने चैनल पे आया नहीं है, ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कंटेंट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर ज़रूर अगर अच्छा लगे आपको तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें यार, ठीक है। सो हियर वी गो। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि यार चलो कुछ तो, मतलब जो हॉबी है जिसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है अपने को, वो करने की कोशिश कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो हियर वी गो। तड़ा, ये देखो भाई, ये है RX 100 का 2-स्ट्रोक इंजन, ठीक है। हाँ भाई साहब, और ये इसके गियर्स वगैरह जो भी है वो इधर पड़े हैं, ठीक है। ये कंप्रेशर चैम्बर है इसका, कंप्रेशन चैम्बर। ये उसका हैंडल है, इसका पिस्टन का है तो पता नहीं। और ये इधर शाफ्ट है इसका लगा हुआ, जो जहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। ये मतलब से घूम रहा है, देखो आओ, ठीक है। तो आज मैं इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि 2-स्ट्रोक इंजन वर्क कैसे करता है और कैसे नहीं करके, ठीक है। चलो तो अपने पास है RX 100 का 2-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ठीक है। तो इसमें है क्रैंक केस, ठीक है। ये क्रैंक केस है, ये पिस्टन हैंडल है, और उसके बाद ये सिलेंडर, ये देखो, जिसके अंदर पिस्टन मूव करता है। और ये सिलेंडर कैप, सिलेंडर कैप यहाँ पे लगा रहता है आपका स्पार्क प्लग, ठीक है। ये जो होता है, ये फ्यूल और एयर के मिक्सचर को, ये इसको अपन इनलेट पोर्ट बोल सकते हैं, अपन इनलेट पोर्ट होता है। और ठीक है, इनलेट पोर्ट में एक खासियत ये है कि देखो इसमें, अगर आपको दिख रहा होगा, दिख तो नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ पे नीचे ना एक नोज़ल जैसे होता है, ठीक है, जहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर जाता है, ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर में। और पहले मैं बता देता हूँ, पहले इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट, ठीक है, नीचे साइड से होता है इनलेट पोर्ट, ऊपर साइड से होता है एग्जॉस्ट पोर्ट, और ये होता है ट्रांसफ़र पोर्ट, ठीक है। ये ट्रांसफ़र पोर्ट होता है डबल सिलेंडर में, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, ठीक है। ये दो तरह के ये होते हैं, ये दो तरीके से काम करता है। ये जैसे यहाँ पे लगा रहता है ना, देखो ये दो तरीके से काम करता है, तो छेद दिख रहा है आपको, तो ये दो तरीके से काम करता है। यही से इनलेट भी होती है फ्यूल और एयर का मिक्सचर, और एग्जॉस्ट पोर्ट से जो केमिकल्स जो बनते हैं बर्न होने के बाद, एयर और फ्यूल जो बर्न होने के बाद जो केमिकल्स बनते हैं, वो यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये देखो, ये इस तरह का ये होता है। अगर इसको अपन पुश करें, ठीक है, ये पुश करें तो ये ऐसे, जब एयर और फ्यूल जब अंदर आते हैं तो ये ऐसे ये होता है, ठीक है। तो अभी पूरा जो मैक्सिमम जो खेल है, वो पूरा जो खेला जो होता है वो यहाँ पे होता है सिलेंडर में, ठीक है। सिलेंडर में ये जो है, सिलेंडर का टॉप जो है, इसको कहते हैं टॉप डेड सेंटर, ठीक है। और इसे कहते हैं बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। तो और यहाँ पे आपका रहता है स्पार्क प्लग, ठीक है। ये हैंडल है, जैसे कि मैंने बताया क्रैंक केस, ये हैंडल, यहाँ पे लगा रहता है पिस्टन। तो होता क्या है कि जब, अभी मेरे पास डायग्राम तो नहीं है रियल मेरे पास ये है इंजन, उसी के थ्रू बताता हूँ मैं आपको, ठीक है।
अगर आपको दिख रहा होगा बराबर, यार इसको मैं रखूँ कैसा वो समझ में नहीं आ रहा मुझे अभी, ठीक है इसको ऐसे रखते समझो अपन, ठीक है। तो जब यस, जब ये जो पिस्टन जो है ये मूव होता है, देखो इस तरह से ऐसे जो पिस्टन मूव होता है, ठीक है ये देखो ये पिस्टन मूव हो रहा है, ठीक है। तो जब पिस्टन जब यहाँ पे ऊपर नीचे होता है, ये सही पोजीशन है इसका, ठीक है। तो पिस्टन जब जैसे यहाँ पे मूव होता है तो यहाँ से फ्यूल और एयर का मिक्सचर यहाँ से इंटेल पोर्ट से अंदर जाता है, ठीक है। जब ये कब ये अंदर कब जाता है, जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होता है, टॉप डेड सेंटर पे जब पिस्टन होता है तो इंटेल पोर्ट से फ्यूल और एयर का मिक्सचर अंदर जाता है और यहाँ पे एक वैक्यूम की तरह क्रिएट हो जाता है। ऊपर तो जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो तो बर्न होता है, वो कंबशन होता है स्पार्क प्लग के साथ मिलके, ठीक है। लेकिन जब पिस्टन नीचे आता है तो एग्जॉस्ट के थ्रू जो भी गैसेस जो क्रिएट हो जाते हैं कंबशन की वजह से वो बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ पे जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो यहाँ पे आके, ठीक है हाँ, तो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है, जब पिस्टन नीचे आता है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर ये क्रैंक केस के थ्रू मतलब क्रैंक केस में आके ट्रांसपोर्ट, ये जो ट्रांसपोर्ट पोर्ट है ना इसके थ्रू ऊपर जाता है, मतलब ये यहाँ से निकलता है। और जब पिस्टन ऊपर आता है तो पिस्टन ऊपर आने के बाद जो ये इंटेल पोर्ट जो है वो क्लोज़ हो जाता है, ठीक है वो क्लोज़ हो जाता है इंटेल पोर्ट क्लोज़ हो जाता है, ठीक है। इंटेल पोर्ट भी क्लोज हो जाता है, एग्जॉस्ट पोर्ट भी बंद हो जाता है, और जो पिस्टन ऊपर आता है स्पार्क प्लग के थ्रू कंबशन होता है जिससे एनर्जी क्रिएट होती है, जिससे आपके गाड़ी को मूवमेंट मिलती है, तो ठीक है। और जब ये नीचे जाता है तो एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू जो भी गैसेस क्रिएट होता थे वो बाहर निकलते, और यही जो प्रोसेस है वो चलते रहता है आपका, ठीक है। इंटेल पोर्ट के थ्रू फ्यूल एंड एयर का मिक्सर अंदर आना सिलेंडर में, पिस्टन जब नीचे आता है तो ये क्रैंक के थ्रू ट्रांसपोर्ट पोर्ट, ये ट्रांसफ़र पोर्ट जो है इसके थ्रू सिलेंडर में फिर से रिटर्न आता है। जब पिस्टन ऊपर जाता है तो वो मिक्सचर लेके स्पार्क प्लग के साथ कंबशन करता है, और जब नीचे आता है तो एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू वो पूरा कंबशन बाहर निकल जाता है। अगर हो सके तो मैं आपको डायग्राम से बता दूंगा, अगर मैं बना लिया डायग्राम तो मैं डायग्राम बना लूँगा और बता दूँगा किस तरह से वर्क होता है, मैं वीडियो में डाल दूँगा डायग्राम वगैरह बना के, ठीक है। तो इसमें एक बात ये है कि टू स्ट्रोक इंजन में कोई भी वॉल्व नहीं होता है, ना कोई चैन होती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये कैप होता है जिसको सिलेंडर कैप कहते हैं अपन, जिसकी वजह से इसकी कॉस्टिंग है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, और इसका वेट भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, काफ़ी हद तक के कम हो जाता है इसका वेट भी, और जो ये मैकेनिज़म है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अगर ये लगता है प्रॉब्लमेटिक लगता है तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो या फिर वीडियोस में जान सकते हो। तो बस मैं बोला थोड़ा सा बता दूँ आपको कि किस तरह से ये वर्क करता है। अभी ये फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूँ ऐसा वीडियो, तो थोड़ा सा हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, तो अगर गलती अगर होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं इसके बाद और फिर से थोड़ा सा थियोरेटिकली जो नॉलेज है जो आपको चाहिए रहेगा वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप कंपेयर करके जो मैंने बताया वो इन्फॉर्मेशन कंपेयर करके और थ्योरेटिकल नॉलेज को देख के आप बता देना कि मैंने कहाँ पे कुछ गलत किया है या फिर बताया है सही इन्फॉर्मेशन, तो आप मुझे वो बता देना सब कुछ, ठीक है।
और ये यहाँ पे गेयर्स वगैरह रहते हैं, अभी गेयर्स वगैरह के बारे में अभी बात नहीं करेंगे अपन, वो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। लेकिन मैं बोला थोड़ा सा मैकेनिज्म जो है, ये फोर स्ट्रोक अपना, ये टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ये टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है यामा RX 100 का। तो मैं बोला मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जितना मुझे पता है, ठीक है, उतना मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो ये है पूरा टू स्ट्रोक इंजन यामा RX 100 का, इसका पिस्टन नहीं मिला मुझे बस, बाकी सब है। और ये अकेले को फ़ोन पकड़ के वीडियो बनाना थोड़ा सा हार्ड जाता है, थोड़ा सा टफ जाता है, कोई नहीं, सीख लेंगे धीरे धीरे, जो भी है करना तो है अपने को, करना तो है अपने को। ये भैया इनका शॉप है, ये मेरे दोस्त है ये भी, ठीक है। और अंदर ही बैठा हूँ मैं शॉप के, बस थोड़ा सा अभी है, दोस्त है इसलिए स्पेस दे देते, थोड़ा सा कोई टेंशन नहीं है। तो इनका गैराज है रॉयल ऑटोमोबाइल्स एंड रिपेयर सेंटर। तो अगर आप साकोरी के हो तो आप आओ यहाँ पे विजिट दो, काफ़ी अच्छी गाड़ी बनती है यहाँ पे, वो भैया काफ़ी अच्छी गाड़ी बना के देते हैं। मैं भी अपनी गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह, अगर मुझे ऑयल चेंज वगैरह करना है गाड़ी का तो मैं यहीं से करता हूँ, ठीक है। तो आओ कभी विजिट दो, और बस यही था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बी सेफ बी हैप्पी। दिस इज़ वाज मोटो व्लॉगर साइनिंग ऑफ, पीस आउट।